पानी में हम गंगा माता को तेल, दही, मम्मी मुझे यहाँ पर सिंदूर ला के दे रही है। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं काम में बैठने वाला हूँ। आज एक स्पेशल ओकेशन भी है जो आगे मैं ये नैना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी नैना के ये ब्रेकफास्ट बनाने हैं, तो ब्रेकफास्ट करके फिर मैं काम करने लग जाऊंगा। आज का मौसम भी बहुत ही क्लाउडी सा ही है, बारिश तो हालांकि इतना नहीं हो रहा है लेकिन क्लाउड्स पूरा है और उसी के कारण हवा चल रही है तो ठंड भी थोड़ा बहुत लग रहा है। ये आप देख सकते हैं बाहर का जो पत्ते होती है सब हिल रहा है। सो हवा चल रही है तो ठंड भी है थोड़ा बहुत। बीच में तो गर्मी आ गई थी लेकिन फिर मौसम पूरा चेंज हो गया है। और ये देख सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो थोड़ा बहुत बारिश अभी स्टार्ट हुआ है। हवा भी चल रही है, देखिए बहुत तेज़ हवा है। ये देखिए पत्ते उत्ते कैसे हिल रहे हैं, तो बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। मौसम तो वैसे अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आसमान में पूरा बादल ही बादल है, तो क्लाउड्स पूरा है। अभी मैं आई हूँ किचन में और आज बनाऊंगी ड्राई फिश बैंगन से। बैंगन से ड्राई फिश अमरदीप को बहुत पसंद है और बैंगन का सीजन भी चला जा रहा है, तो इस साल तो बैंगन हमने बहुत ही खा ली। अभी जो सामने जो सीज़न आ रहा है इसमें तो बैंगन अच्छी नहीं मिलेगी, तो अभी खा लेते हैं, बाद में तो अच्छा बैंगन नहीं मिलेगी। मार्केट से आज ईचा मछली आई है, तो पापा यहाँ पर ईचा मछली को छील रहे हैं। वैसे तो मार्केट से ही छील कर लेकर आते हैं लेकिन मार्केट में बहुत भीड़ थी तो पापा रुके नहीं, यहाँ पर लेकर घर ही आ गए। तो घर में आकर पापा मछली को छील रहे हैं। मछली को छीलने के बाद मैं ईचा मछली को फ्राई करूँगी। मम्मी अभी नहा के आ चुकी है, अभी मम्मी पूजा करने वाली है और आज है बारूनी। हमारे यहाँ पर इसे बारूनी कहते हैं और जगह में गंगा माता की पूजा ही कहते हैं। पानी में हम गंगा माता को तेल, दही, मिठाई, पान वगैरह ऐसे कुछ चढ़ाते हैं और पूजा भी करते हैं। तो मम्मी तो यहाँ पर कर रही है, मैं तो अभी खाना बना रही हूँ। मेरी जब खाना बनाना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नहा के मैं भी आकर पूजा करूँगी। ईचा मछली फ्राई हो चुकी है, अभी मैं आलू से बना रही हूँ। इसके बाद ईचा मछली को मैं स्क्वाश होती है ना उससे मैं बनाऊंगी। अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के, अभी मैं कर रही हूँ गंगा माता जी की पूजा। वैसे तो नदियों में या तालाब में जाकर करते हैं पूजा, लेकिन नदियों में तो बहुत भीड़ होती है और शहर में तो तालाब मिलते नहीं अभी, तो इसलिए हम घर में ही कर लेते हैं, लेकिन पूजा तो करना ज़रूरी होती है। मम्मी मुझे यहाँ पर सिंदूर ला के दे रही है और मैं भी मम्मी को सिंदूर ला के दे रही हूँ। ये एक रीति होती है हमारे यहाँ की, पूजा करने के बाद ये लगाया जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में रोटी और साथ में आलू फ्राई। कलौंजी डाल के आलू फ्राई बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आज आलू फ्राई बना रही हूँ, साथ में रोटी बना रही हूँ। मम्मी यहाँ पर मुझे ड्रमस्टिक काट करके दे रही है और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। आज ड्रमस्टिक है, साग है और साथ में है थूर की पकौड़ा, जो मैं खाने के वक्त बनाऊँगी।
गर्मा गर्म खाने से अच्छा लगता है। क्या हुआ? कैसे देख रही थी तुम, काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ कर रहा हूँ। काम खत्म हो गया? नहीं नहीं बाकी है, अभी तो 1 बजने वाले, अभी भी 1-1.5 घंटा और काम होगा। ठीक है। तुमने नहा लिया? हाँ अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, आज थर्सडे है ना, तो अभी मैं पूजा करने जा। अच्छा लक्ष्मी पूजा करोगी? क्या लक्ष्मी पूजा करोगी ना? तो तुम बहुत लेट नहा के आई हो आज। लेट हो गई ना, आज खाना बनाने में लेट हो गई, तो अभी बज रहे 12:30 के ऊपर बज रहे, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा कर जल्दी जल्दी खत्म करके फिर तुझे निकल। और आज लंच में क्या बनाया? आज बनाया ड्राम स्टिक है तो ना, ड्राम स्टिक ये बनाया, और साथ में शाक भी है, और पकौड़ा बनाऊंगी, थूर की पकौड़ा खाने वक्त बनाऊंगी। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ये ऐसा पकौड़ा नहीं है, आज अलग तरह से बनाऊंगी। उस दिन भी तो बनाया था ना मैं, आज किस तरह से? आज भी तो थर्सडे, प्याज व्याज कुछ नहीं दोगे? प्याज वाला नहीं, ये तो उस दिन मैंने बहुत कुछ डाल के बनाया, आज तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, अलग होगा। ठीक है जाओ पूजा कर लो फिर देखते हैं। अभी हो गया हमारे लंच के टाइम, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ थूर की पकौड़ा, जो आज नए अंदाज से मैं बनाऊंगी। अमरदीप ने पहले खाया नहीं है तो बता रहा था कि उसे अच्छा नहीं लगता थूर की पकौड़ा, तो मैं आज उसे नए अंदाज से बनाकर खिलाऊंगी। लंच हो चुका है हमारा ख़त्म, और जस्ट लंच करके उठते ही इतनी झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे तेज़ बारिश बहुत ही अच्छा लगता है, झमाझम बारिश मज़ा ही आ जाता है। और थोड़ी देर पहले थोड़ी सी गर्मी से लग रही थी, लेकिन अभी इतनी तेज से बारिश हो रही है तो अब मौसम पूरा चेंज हो गया है, और अभी बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाहर से बहुत ही अच्छा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या हुआ शाम की नींद से जाग के इतने सारे पार्ट्स निकाल के क्या कर रही हो? अरे मैं एक चीज़ खोज रही हूँ ना, मुझे नहीं मिल रही। तो इतने सारे पार्ट्स निकाल के क्या कर रही हो? ये तुम्हारे आलमारी में थे ना। तो इतने सारे क्यों, पता नहीं कौन से क्या रखा? हाँ ये तो मालूम नहीं, तो इसलिए मैं देख रही हूँ कौन सी पार्ट्स में है, शायद इन लोग से ही होगी। कुछ तो तुम्हारे अलमारी के अंदर भी है। हाँ अलमारी के अंदर नहीं है अभी। नहीं है अभी, एक और एक जगह पर रख दिया है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अलमारी में, कपड़े होते हैं ना। हाँ। तो रोज रोज उसे ठीक करना होता है, इसलिए और एक जगह में कन्वर्ट कर दिया। तब तो ठीक है, अच्छा है, नींद तो आज अच्छी है ये तुम्हें। हाँ बाहर बारिश भी हो रही थी ना, आज तो बहुत अच्छी तरह से नींद। हम जब लंच कर रहे थे उसी समय आया था ना बारिश। हाँ, इतना बारिश हो रही थी, क्या बोलूं। हाँ पूरे दिन तो बस क्लाउड ऐसे ही था, अचानक अभी तो कुछ बारिश नहीं हुई, बस ये आधा घंटे ही बारिश थी बस खत्म। हाँ तो बारिश होने से अच्छा नींद हुआ है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। सही है, वैसे तो मैं अभी सोती नहीं हूँ, शाम को सोती नहीं हूँ, तो मौसम के चलते सो गई। आज जैसे मुझे आ गई नींद आ गई। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आने से प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं देन प्लीज हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।